हाय गाइस, सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सब चीज़ें जो कि आपको खास ध्यान रखना है ड्यूरिंग द करेक्शन फेज। तो करेक्शन कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या फीस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उन सब चीज़ों को लेकर कंप्लीट डिस्कशन आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है। देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को शेयर करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला चीज़ है कि आपके पास आपका प्रॉपर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन नंबर कहाँ पे मिलेगा? एप्लीकेशन नंबर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने डाउनलोड किया है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट में मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है देन आपको क्या करना है, आपका जो ईमेल आईडी है जहाँ पे ओटीपी गया था उस पे जाके चेक करना है, उधर पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है आपका पासवर्ड। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसका पासवर्ड क्या है। अगर पता नहीं होता है किसी को तो वो जाके फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड निकल सकता है या फिर न्यू पासवर्ड सेट कर सकता है। नेक्स्ट आपका करेक्शन। आपका करेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैंने पहले से कल ही एक वीडियो डाल के रखा है जिसपे मैंने बताया है कि कौन कौन सा चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हो, कौन कौन सा चीज़ें आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो वो वीडियो जाके आपको देखना है अगर आपको पता करना है कि क्या जो भी आप सोच रहे हो करेक्शन करने के लिए क्या वो मतलब असलियत में आप करेक्शन कर सकते हो या फिर नहीं। नेक्स्ट करेक्शन फीस। देखिए करेक्शन क्या करोगे पहले से वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कोई अगर कास्ट करेक्शन करना चाहता है, कास्ट करेक्शन करने में कोई अगर पहले से अगर उसने ओबीसी डाल के रखा है लेकिन वो जाना चाहता है जनरल में, तभी जाके उसका फीस लगेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो ओबीसी का जो फीस है उससे जनरल का फीस थोड़ा ज़्यादा है, जिसके कारण से उसको फीस लगेगा। और एक जगह पे फीस मतलब लग सकता है अगर कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहता है। फीस रिफंड को लेकर बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि अगर उसने 5 सब्जेक्ट दिया है लेकिन वो अगर डिलीट करके अभी वो 3 सब्जेक्ट करना चाहता है तो क्या उसने जो एक्स्ट्रा फी पे किया गवर्नमेंट को क्या उसको फिर से मिलेगा? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनटीए का कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है जिसके दौरान आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब आपने अगर कोई भी फीस एक्स्ट्रा दे के रखा है तो उसको आप रिफंड नहीं ले सकते हो, एनटीए का ये पॉलिसी है। तो मतलब अगर आप फीस दे रहे हो देन आप दे दोगे लेकिन आपको कुछ भी मतलब रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है करेक्शन डेट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो करेक्शन विंडो है वो 2 अप्रैल को खुलेगा एंड वो 3 अप्रैल तक खुला रहेगा, 3 अप्रैल रात 11:50 तक। इसके बीच में आपको आपका जो भी करेक्शन है वो कर लेना होगा। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को करेक्शन करने में कुछ भी दिक्कत हो रहा है देन हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उधर पे जाके आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम भी आपका फॉर्म फिलअप में जो भी आपका करेक्शन है उस पर हेल्प कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमारा जो CVT UG का कोचिंग है उसको भी ऑनलाइन हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है फॉर जनरल टेस्ट इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर किसी को भी ऑनलाइन में कोचिंग चाहिए CVT UG का देन वो हमारे नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके डायरेक्टली अपना सीट जो है वो बुक कर सकता है या फिर डेमो क्लास भी ले सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ वीडियो को एक शेयर भी कर देना। थैंक यू।